एपिसोड 1 और 2 में आपने देखा कि रचित अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर में आता है जहाँ पे उसके पापा गायब हो जाते हैं। सभी मिलकर पापा को बहुत ढूंढते हैं लेकिन पापा नहीं मिलते, लेकिन थोड़ी देर बाद पापा खुद ही सामने आ जाते हैं क्योंकि पापा उन लोगों के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं। फिर एक सुबह घर में सब नॉर्मल चल रहा होता है तभी एकदम से मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। जिसने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है वो जाके अभी देख लो और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये क्या था? मम्मी चल 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 के देखते हैं। क्या हो गया मम्मी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा पहले कैमरा बंद कर दू। हाँ तो गाइस चलो बाद में मिलते हैं। हाँ मम्मी अब बताओ क्या हुआ? अरे मम्मी कुछ तो बोलो। बेटा मैं सच बता रही हूँ, पक्का इस घर में भूत है। फिर से भूत? अरे भगवान मैं कह रहा हूँ भूत वूत कुछ नहीं होता। कहीं तू मेरा पागल तो नहीं बना रही जैसे मैंने कल तेरा पागल बनाया था? अरे भगवान उस मजाक के लिए रात से सुबह तक 1000 बार माफी मांग तो चुका हूँ, पर अब तूने भी यही मजाक करना शुरू कर दिया। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे पागल तुम्हें लग रहा है क्या मैं मजाक कर रही हूँ? तुम खुद देखो ये क्या है। ऐसा क्या है? अरे ये देखो यहाँ पे नींबू पड़ा हुआ है और उस पे खून भी लगा हुआ है और ध्यान से देखो किले भी लगी हुई है उसपे। ये नींबू ना पक्का भूत ने रखा होगा हमारे बेड के पास। तो इसमें भूत वाला क्या है, नींबू ही तो है। मगर इसमें कील भी लगी हुई है और खून भी लगा हुआ है। खून? अरे खून वून कुछ नहीं है, किसी ने रंग लगा दिया होगा। मम्मी ये देखो यहाँ डोल भी पड़ी है। भूत! अब मत बोलना कि ये कोई रख के और भूल गया। तो इसमें डरने वाली क्या बात है, डोल ही तो है, कितनी सुंदर है। ओले मेली प्याली डोल, तू भूत है, कितनी प्याली है, सो स्वीट। मेरा कोई हाथ मोड़ रहा है। मैंने फिर से प्रैंक कर दिया तुम लोगों के साथ। देखो मैंने फिर से प्रैंक कर दिया। अरे ये भूत भूत कुछ नहीं होता, दिमाग से निकाल दो ये वहम। अरे ज्यादा 30 मार खा मत बनो तुम, मैं बोल रही हूँ ये भूत है। अरे पापा रहने दो, जरूर इसमें भूत का हाथ होगा। हाँ हाँ पापा भाई ना सही बोल रहे हैं, मत उठाओ इसको, रख दो वापस। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, सब तुमको कह रहे तुम भूत हो, बताओ सबको तुम कोई भूत भूत नहीं हो। अरे मैंने बोला था ये मत करो, और ज्यादा 30 मार खान बन लो, पकड़ लिया ना भूत ने। पापा पापा इसको गुड़िया को छोड़ दो। मैंने फिर से प्रैंक करा तुम लोगों के साथ। इस बार सच में कोई बोला? पापा पापा आप भूत का बार बार मजाक बना रहे हो ना, इसलिए भूत को इस बार सच में गुस्सा आ गया। छोड़ दो पापा इसको। अरे मैंने फिर से प्रैंक कर दिया तुम्हारे साथ। अरे तुम लोग कितनी बार पागल बनोगे? अरे ये तुम्हारा प्रैंक है ना, मैं बाद में निकालूंगी, मिलो तुम फुर्सत से मुझे। अरे मम्मी मम्मी जल्दी आओ, इस बार बाबू को सच में कुछ हो गया है। मैं नहीं आ रही, जब देखो ड्रामे ड्रामे ड्रामे। अरे मम्मी जल्दी आओ,
इस बार पापा को सच में कुछ हो गया, सीरियस मैटर है। इस बार भूत ने सच में पापा को अंटे में ले लिया। मम्मी अरे कितनी बार बोला है मैंने इस घर में भूत है भूत है भूत है, और मत मानो मेरी, अब लग गया ना भूत पीछे। पापा को क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा क्या हो गया? पापा को क्या हो गया? पापा को क्या हुआ? पापा क्या हो रहा है ये? ओए ओए पापा के मुंह से झाग आ रहे हैं, क्या हुआ पापा को? हार्ट बीट चेक करता हूं, दिल नहीं धड़क रहा। सांसे सांसे चेक करता हूं, सांस भी नहीं आ रही। भाई क्या हो गया पापा को? पता नहीं क्या हो गया, ना दिल धड़क रहा ना सांस आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी मम्मी भाई ना सही बोल रहा है, मुझे लगता है पापा हमें बिना गुड बाय बोले निकल लिए। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। अरे इतनी जल्दी ये ऊपर कैसे जा सकते हैं? अब मैं रात को किसकी सुताई करूंगी? हे भगवान, इतनी क्या जल्दी थी इनको ऊपर बुलाने की? गुड मॉर्निंग मैम, आपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट किया था, बताइए आपको कौन सी पॉलिसी चाहिए? अरे भैया मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। अरे मैम आप हमारी एक बार पॉलिसी लेके तो देखिए, आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे। अरे भैया अब क्या फायदा, मैं जिस बंदे के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रही थी ना, वो तो इस दुनिया से ही टपक लिए। भैया जाओ तुम। पापा अरे फिर से प्रैंक कर दिया मैंने तुम्हारे साथ बुधुओ, हर वक्त भूत भूत कहते रहते हो। मैं कहता हूँ भूत कुछ होता ही नहीं है, तुम मानते क्यों नहीं हो? पापा ये कोई तरीका है मजाक करने का? अरे क्या प्रैंक प्रैंक लगा रखा है, अब की बार अगर प्रैंक किया ना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, फिर ऊपर जाके प्रैंक प्रैंक खेलते रहना। यार पापा हद होती है, आपने हम लोगों का कल से पागल बनाया हुआ है, कभी ये प्रैंक कभी वो प्रैंक। बेटा मेरे को तो लगता है तेरे पापा के ऊपर ना जरूर पागल भूत का साया है, तभी पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। ना 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 ना, अरे कोई पागल साया नहीं है, ये बार बार भूत भूत बोल के तुम्हारे दिमाग में भूत घुस गया है। यार पापा नौटंकी मत करो आप, आपके ना इन मजाक के चक्कर में हमारी सांसें अटक जाती है। दीदी मुझे तो लगता है कि मेरे फूफा जी के ऊपर कोई ना पागल भूत चढ़ी गया है, वरना फूफा जी इतनी पागलों वाली हरकत तो नहीं करते। गुलगुले तो सही कह रहा है, मुझे भी ना ऐसा ही कुछ लग रहा है। ले पकड़िए। अरे नहीं नहीं पापा, ये अपने पास ही रखो, आप तमाशा बना रखा है। उले मेली डोली डोली, तू डलाती है, तेरे को तो बेटा सलाद में निचोड़ के खाऊंगा मैं। अबे यार बस बस, स्वाति ने परेशान कर दिया, दिन में पापा ने परेशान कर दिया प्रैंक करके, और अब रात को ये सोने नहीं दे रहा, पता नहीं क्या करके मानेगा। पूरा कमरा खराब किया इसने। इसके पाद की बदबू रूम फ्रेशनर से तो जाती भी नहीं है, स्पेशल डीओ मारना पड़ता है इसके पाद की महक हटाने के लिए। रचे हाँ क्या है बोल। भैया सोने दो ना, तंग मत करो।
रचित। अबे गुलगुले बोल भी लेगा, अब क्या है? क्या है रचित भैया आपको? सोते हुए बच्चे को परेशान करने में क्या मजा आता है आपको? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। अरे ओ भाई, इतनी बद्दुआ तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं दी जितनी तूने एक बार में दे ली, और मेरा नाम लेके क्यों बुला रहा है तू? अरे जाओ ना रचित भैया, क्यों पागल बना रहे हो? मेरे को कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आपका नाम लूंगा? क्या पता काटा हो, मुझे क्या पता। और सच बोल, तूने नहीं लिया मेरा नाम? नहीं लिया भैया मैंने आपका नाम, दीवारों पे लिख दूं तब मान जाओगे आप? भाई भाई तू बार बार मेरा नाम ले रहा है क्या? मेरे को ना बार बार आवाज आ रही है स्वाति स्वाति। नहीं यार मैंने तो नहीं लिया। गुलगुले सच बोल, ये तेरी हरकत है ना? दीदी मैं क्यों लूंगा? तो मुझे बार बार आवाज क्यों आ रही है जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो बार बार? अबे यार स्वाति, सेम सेम मुझे भी ना अपना नाम सुनाई दे रहा है। कोई तो है जो मेरा भी नाम ले रहा है, बार बार ना मेरे को आवाज आ रही है रचित रचित। गुलगुले गुलगुले। अरे भैया दीदी क्यों बेवजह मेरा नाम लेने का डरा रहे हो? अरे हम नहीं डरा रहे, एक काम करो चुप रहो, सारे के सारे चुप रहो, तीनों चुप। अब देखते हैं कि कौन नाम ले रहा है। रचित स्वाति गुलगुले। भैया ये तो मेरा नाम ले रहा है। भाई ये तो मेरा नाम भी ले रहा है। अबे ये हम तीनों का नाम ले रहा है। भैया ये हरकत जरूर फूफा जी की होगी, दिन में भी ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे थे। हाँ गुलगुले तू ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये पक्का पापा ही है। अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो भी पता लगाते हैं, आओ मेरे साथ देखते हैं पापा को। क्या यार पापा, ये कोई टाइम आधी रात का मस्ती करने का मजे लेने का हमारे? क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? वाह पापा वाह, बहुत सही। मतलब कि हेड भी आपका और टेल भी आपका और अंटा मेरे बाप का, वाह। एक तो इतनी रात को हमारा नाम लेके हमें बुला रहे हो और उल्टा हम ही को बोल रहे हो कि इतना शोर क्यों मचा रखा है। हाँ फूफा जी सही बात है, कभी स्वाति कभी रचित कभी गुलगुला, आप तो हमें सोने ही नहीं दे रहे हो। मैंने किसका नाम लिया, कब लिया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई। अरे हाँ बेटा तेरे पापा सही बोल रहे हैं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम तो तब से सो रहे हैं। अरे बेटा तुम्हारा ये गेम मेरे सामने नहीं चलेगा, तुम सबने भूत भूत करके डराने की सोची है ना, तुम्हारी दाल मेरे आगे निकलेगी। पर फूफा जी मैं तो आपकी टीम में हूँ ना, तो मैं आपको क्यों डराऊंगा? अरे बेटा ना तो मैंने कोई आवाज निकाली ना मेरे कान में कोई आवाज आई, ये माजरा क्या है? सुमान सुमान। अरे मुझे भी आवाज आई, मेरा नाम ले रहा कोई? सतीश सतीश। अरे मुझे भी आई, मेरा भी कोई नाम ले रहा है, कौन ले रहा है? तुम में से है ना कोई मेरे मजे ले रहा है ना तुम में से? अरे पापा हमने कुछ नहीं किया, हम लोग तो आपके सामने खड़े हैं, हमने किसी का नाम नहीं लिया। जरूर कुछ झोलम झाल है, बाहर चल के देखता हूं। चलो सब मेरे साथ बाहर चलो, एक लाइन में खड़े हो सारे, आओ। चलो सब लाइन में लगो। आइए एक लाइन में खड़े हो जाओ। अब निकाल के दिखाओ आवाज, मैं देखता हूं कहां से आती है आवाज। देखा आई कोई आवाज है ही नहीं, कुछ आवाज। सतीश सतीश। पापा आई ना आवाज, अभी आपने खुद भी सुनी ना, अब देखो पापा प्रूव हो गया है यहाँ पे ना पापा भूत है भूत। अरे बेटा भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ साइंस है साइंस। पापा 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 देखो देखो पापा लाइट ब्लिंक करने लग गई। पापा मैं बता रहा हूँ पापा इस घर पे ना पक्का कोई साया है पापा, भूत का साया है पापा। अरे बेटा तू एक ख्याली पुलाव पकाना बंद कर अपनी माँ की तरह, ये जरूर कोई MCB की प्रॉब्लम है, मैं भी चेक करके ठीक कर दूंगा। भाई
भाई मैं बता रही हूँ पक्का भूती है, देखा नहीं तूने मूवीज में भूती ये सब करते हैं। हाँ बहन मेरे को भी ये सब भूत के ही लक्षण दिख रहे हैं। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, सब साइंटिफिक प्रॉब्लम है, अभी ठीक कर दूंगा। हो गया ठीक बस। लो हो गई लाइट ठीक, ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रॉब्लम थी, बेकार की बातें कर रहे थे। भूत। अरे डरो मत, 5 मिनट रुको, ऊपर कोई चूहा बिल्ली लड़ाई कर रहे होंगे, ये उनकी आवाज है। भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे मन का वहम है। अरे चूहा बिल्ली कितनी आवाज आती है क्या? जय हनुमान जान गुरु सागर, जय कपी सिद्ध योग उजागर। पापा पापा मैं कह रहा हूँ बीबी टाइम है हमारे पास, इस घर से भाग चलते हैं। अरे नहीं बेटा, मेरा दिमाग अब भी 100% कह रहा है ये जो आवाज आ रही है इसके भी पीछे कोई साइंस है। फूफा जी आप तो अपनी साइंस के चक्कर में हम सबको मरवा दोगे, मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। अरे अरे बेटा इतनी रात को कहाँ जाएगा, यहीं रह। इस भूतिया घर से अच्छा तो मैं बाहर ही रह लूं। अरे नहीं नहीं यहीं रह। पापा देखा आपने, ये पक्का भूती है जो हमारे साथ बार बार हाइड एंड सीख खेल रहा है। अरे बेटा कहाँ कोई हाइड एंड सीख खेल रहा है, कहाँ है पापा देखा आपने, देखा ना पापा आपने, वहां पे किसी का साया था। पापा ये किसी का साया है, पापा भूत है भूत। अरे अरे भागो यहां से, ये घर इंसानों के रहने के लायक नहीं है। अरे तुम तीनों भी आ जाओ, तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी, जल्दी आगे आ जाओ वरना भूत आ जाएगा। अरे पापा हम नहीं जा रहे ये घर को छोड़ के, और वैसे भी आपने तो बोला था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। क्या भूभू पापा, भाई ना सही बोल रहा है, अब चाहे जो हो जाए हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे जब तक तुम नहीं मानोगे ना कि भूत होते हैं तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। होते हैं, सच्ची में भूत होते हैं, मैं मान गया, अब जल्दी से भागो यहाँ से, आओ जल्दी। अरे गुलगुले तू क्या बोलता है, भूत होते हैं कि नहीं होते? होते हैं भैया होते हैं, भूत भी होते हैं। अरे बेटा पीछे देखो। अरे पापा हम नहीं देख रहे पीछे पीछे, आपने हमारी बात को गोल गोल मत घुमाओ, हमें साफ साफ बताओ कि भूत होते हैं या नहीं, हाँ या ना। होते हैं, पीछे देखो। अरे यार पापा ऐसा भी क्या है पीछे। पापा It's a prank. आपको क्या लगा था आप ही हमारे साथ मजाक कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं पापा। ये कौन है ये तो ये खुद ही बताएगी। अंकल जी नमस्ते, मैं ना मैं रचित की दोस्त हूँ, वो जब आप लोग यहाँ पे न्यू शिफ्ट हो रहे थे ना तब रचित ने मुझे बताया कि आप भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरते और इन लोगों को हमेशा भूतों के नाम से डराते रहते हो, तो बस रचित को मैंने मजाक में बोल दिया कि तू भी अपने पापा को डरा दे, तो बस तब से ये मेरे पीछे पड़ गया कि अब तो तू ही डराएगी पापा को भूत बन के। तो अंकल जी बस मैंने आपको डरा दिया, और वैसे भी स्कूल टाइम से ना मैं बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हूँ भूत की। हाँ बेटा शक्ल से लग भी रहा है, तेरी एक्टिंग का तो कोई जवाब नहीं। थैंक यू अंकल जी थैंक यू। और आपको एक बात बताऊं, वो जो गुड़िया और नींबू रखा था ना वो मैंने ही रखा था, और छत पे जाके दमदम की आवाज भी मैं ही कर रही थी, और लाइट ऑन ऑफ भी मैं ही कर रही थी। और रचित बेटा तूने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरा वादा है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अरे पापा कूल डाउन
एक बात बताओ, आप इतने दिनों से हमारी फिरकी लिए जा रहे हो, हमने आपको कुछ बोला? हमने आपके साथ एक दिन छोटा सा मजाक क्या कर लिया, आपको तो मिर्ची लग गई। सड़ गए, सड़। रचित, तू मेरी औलाद होके ऐसी हरकत कर सकता है तो सोच, मैं तो तेरा बाप हूँ, क्या हाल करूंगा मैं तेरा, तुझे पता भी नहीं है। रचित भैया, आपने मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक किया, इस प्रैंक का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, और अगर नहीं लिया तो मेरा नाम भी गुलगुला नहीं। अब तो जंग होगी जंग, वो भी वन ऑन वन, इनके अगर छक्के ना छोड़ा है ना तो मेरा नाम भी सतीश नहीं। वो ये क्या है, वो ये कैसे हो रहा है? ए, पागल मत बना, तू फिर से प्रैंक कर रहा मेरे साथ? पापा मम्मी कसम, बाप की कसम, हमने इस बार कुछ नहीं किया पापा, पता नहीं क्या बला है, हम तो सब आपके सामने ही खड़े हैं पापा। तुम सबने भूत का मजाक बना रखा है, अब तुम देखोगे कि भूत का खौफ क्या होता है, अब तुम्हें डर का एहसास होगा। पापा ये तो लगता है सच का भूत है। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Hey guys, तो guys, hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके पूरी सीरीज जो तीनों एपिसोड है उनमें से कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट मेरे को बताओ। और गाइज, अगर इस सीरीज पे आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं इसका सेकंड सीजन लेके आऊंगा। बाकी हमारा नया घर इस वाली सीरीज को मैं इसी एपिसोड के साथ एंड करता हूँ, अगर मुझे लगा कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो सेकंड एपिसोड लेके आऊंगा। बाकी गाइज, जल्दी से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो, 10 मिलियन पे एक बहुत ही प्यारा सा एक स्वीट सा सरप्राइज आप लोगों के लिए, तो जितनी जल्दी आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओगे वो सरप्राइज मैं लेके आऊंगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सो गाइज, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो वीडियो पे और शेयर करो वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइज, लव यू गाइज, टेक केयर, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।